गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 3E क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ. इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 3. एंड द क्वेश्चन 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 65,007 डिवाइडेड बाई 1. करते चलिए. तो 65,007 डिवाइडेड बाई 1, हमें अच्छे से मालूम है वन से किसी में भी डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 65,007. ओके, नाउ सेकंड पार्ट. एंड द सेकंड पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाय 879. जीरो में किसी से भी डिवाइड करो, आंसर इज ऑलवेज 0. लेकिन 0 से हम डिवाइड किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, वो कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म. इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट, 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाई 10. तो आपने ये रूप पढ़ा है, डी मास, अगर ब्रैकेट ना बोर्ड मास होता है, ब्रैकेट ऑफ नहीं है तो वी उठा दिया. तो डी मास पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीपिल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे. डिवाइड करेंगे मैंने कि 10 से डिवाइड करो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये तो सिंपल था. तो 572. अब इनको ऐड कर दो, 2 और 1 3, 8 7 15 कैरी 1, 9 1 10 और 5 15. तो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड द फोर्थ पार्ट इज 1507 माइनस इन ब्रैकेट 625 डिवाइडेड बाई 25 ब्रैकेट क्लोज. तो कौन सा रूल लगेगा, बोर्ड मास. इट इज इक्वल 1507 माइनस, पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं ना, तो यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल. ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको भी हम इसी रूल से, ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड ही आ रहा है बस. 25 का 625 में डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया. अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 2, या बोरो ले लेंगे 10 में से 2 गया 8 और ये 14 आ गया. 1482 इज द आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट, 32277 डिवाइडेड इन ब्रैकेट 648 माइनस 39. इसमें भी हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट वी विल सॉल्व ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो भी है तो ये हो जाएगा 32277 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लो, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो बोरो लिया, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 9 या 3 रह गया अगेन, सॉरी 3 में से 3 गया 0 और ये 6 का 6. और हमें 609 का डिवाइड करना है 32277 में, तो डिवाइड कर लो, सिंपल डिवाइड. ओके, 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 नाइन जा 45 और 5 सिक्स जा 30, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 2, बोरो लुआ बोरो ले लिया तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करे तो 8 या 1 रह गया, ब्रिंग डाउन 7, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 नाइन जा 27, 3 सिक्स जा 18, तो कितना आ गया 53. द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 53. अब सिक्स पार्ट और लास्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का. एंड द क्वेश्चन इज 1573 डिवाइडेड बाई 1573 ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट पे ये माइनस, अच्छा स्पेस का मैं छोटे छोटे लिख दूंगा, इन अदर ब्रैकेट 1573 डिवाइडेड 1573 एंड ब्रैकेट क्लोज. ओके, सॉल्व करें ब्रैकेट पहले, कौन सा रूल लगेगा, बोर्ड मास, 1573 का 1573 में डिवाइड करा तो 1 ही आया, माइनस इसमें भी डिवाइड करा 1 आया और 1 में से बन गया 0. रूल किस से खोला हमने, से बोर्ड मास रूल से. तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एंड द क्वेश्चन 4 इज, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड अ होल नंबर, होल नंबर फाइंड करना है n सच दैट n डिवाइडेड n इज इक्वल n.
ऐसा कौन सा होल नंबर है जिसका उसमें ही डिवाइड करके वही नंबर आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है? वन। लेकिन करेंगे कैसे? देखो एन डिवाइडेड का मतलब एन अपॉन एन इज इक्वल एन, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एन इज इक्वल टू एन इंटू एन, तो इसका मतलब ये हो गया एन इज इक्वल एन स्क्वायर। ओके, तो एस दिस इम्प्लाइज एन का नंबर क्या हो? दो तरीके हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप तो यही लिख दोगे दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू वन, मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर भी एन आए, तो वन ही है, वन के अलावा कुछ नहीं है। वैसे हम ऐसे करते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं, एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे एक बार ये जीरो होता है, एन इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये पॉसिबल है नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एन पी नॉट पॉसिबल। तो एक बार ये फैक्टर कहलाते हैं, इसको जीरो रखते हैं हम, तो एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू वन, तो आंसर इज वन, क्योंकि बात चल रही है होल नंबर की, और यहाँ देख रहा है एन डिवाइडेड बाई एन, हमने बताया था कभी भी डिवाइड जीरो से नहीं होता, ये कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म, वैल्यू ऑफ एन इज वन, इट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, एंड द क्वेश्चन नंबर फाइव, लिसन केयरफुली, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन 5,04,347, ओके, एंड वन ऑफ द नंबर इज 317, तो फाइंड द अदर, कैसे निकालोगे? क्या करेंगे, प्रोडक्ट में एक से डिवाइड कर देंगे, कैसे? देखो ये तो है वन नंबर, प्रोडक्ट से मतलब क्या, दोनों नंबर का मल्टीपल, वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर या अदर नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, सेकेंड नंबर, इट इज गिवन 5,04,347, तो फर्स्ट नंबर हमें या वन नंबर दे रखा है 317, इंटू सेकेंड नंबर या अदर नंबर कुछ भी लिख लो आप, सेकेंड नंबर 504347, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ये नीचे आ जाता है, इनकी डिवाइड हो जाता है, तो सेकेंड नंबर क्या हुआ, तो सेकेंड नंबर इट्स इक्वल 504347 डिवाइडेड बाई 317, इसको आप डिवाइड कर दो और ये आंसर आ जाएगा, तो अदर नंबर विल बी, यहाँ डिवाइड करके दिखा दो कहीं भी, यहाँ कर देता हूँ, चलो 504347 में डिवाइड कर दो, वन टाइम्स गया तो 317, वॉरू लिया 14 में से 7 गया 7 या 9 रह गया, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, ब्रिंग डाउन 3, 3 6 6 बार तो जाएगा नहीं, तो 5 टाइम्स जाएगा, 85 और 5 3 15, तो 13 में से 5 सेपरेट करो 8, यहाँ 6 रह गया बोरो लिया, 16 में से 8 गया अगेन 8, या 7 में से 5 सेपरेट करा 2 आ गया, ओके, नाउ ब्रिंग डाउन 4 3 8 8 बार चला जाएगा, है ना, 8 3 24 और 9 बार जा सकता है, 9 बार नहीं जाएगा, 8 टाइम्स, तो 8 का डिवाइड करा हमने, 8 7 56 कैरी 5, 8 वन जा 8 और 5 13 कैरी 1, 8 थ्री जा 24 और 1 25, बोरो लिया 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 5, ये तो गलत हो गया भाई, गलत से मतलब बच रहा है, तो 9 बार चला जाएगा, सॉरी, तो 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 से मल्टीपल करो, 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 वन जा 9 और 6 15 कैरी 1, 9 3 27 28, ओके, इसमें से सेपरेट करना है, ध्यान रखना 4 में से 3 सेपरेट करा 1 आया, अब 8 में से 5 सेपरेट करा 3 बस, और ऊपर से आ गया 17, 1 टाइम्स गया 317, ओके क्लियर, तो कितना आंसर आ गया 1591, तो अदर नंबर विल बी 1591, तो आंसर हो गया अदर नंबर is 1591, okay, now question number 6, on dividing 59,761 by a certain number, the quotient is 189 and remainder is 37, to find the divisor, चलिए करते हैं, okay, the dividend is given 59,761, quotient 189 and remainder 37, हमें डिवाइजर फाइंड करना है, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, क्या होता था डिविडेंड, चलो लिख देते हैं, डिवाइजर इनटू
कोसाइन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल किसके डिविडेंड, है ना, हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया, वैल्यू पुट कर दो, डिवाइजर हमें फाइंड करना है, तो डिवाइजर इनटू कोसेंट इज गिवन 189 प्लस रिमाइंडर इट इज आल्सो गिवन 37 एंड डिविडेंड इज 59,761। अभी प्लस वाला इधर चला जाएगा तो माइनस का है ना, ट्रांसफर करते तो साइन विल बी चेंज, तो डिवाइजर इंटू 189 इज इक्वल 59761 माइनस 37। तो पहले तो इसको सबट्रैक्ट करो, 11 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 या 5 रह गया, 5 में से 3 सबट्रैक्ट हुआ 2, बाकी सेम आ गया आएगा 597। ओके, तो डिवाइजर क्या हुआ, तो डिवाइजर विल बी 59724 डिवाइडेड बाई 189, तो 189 से हम इसमें डिवाइड कर दें तो डिवाइजर आ जाएगा। ओके, तो डिवाइड करते हैं, चलिए 189 से डिवाइड करो किसमें, 59724, ठीक है, करिए, कितने टाइम्स जाएगा, 18 3 54 तो 3 बार चला जाएगा, है ना, तो 3 9 27 कैरी 2 और 54 2 56, 7 में से 7 सबट्रैक्ट करा 0, 9 में से 6 सबट्रैक्ट करा 3, 2 ब्रिंग डाउन, ओके, अब तो 1 टाइम से जाएगा, 189 डिवाइड कर रहा हूँ सिंपल, वॉरू लिया 12 में से 9 गया 3, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 गया 1, अब ब्रिंग डाउन होगा 4 6 9 54, 6 टाइम चला जाएगा, 6 9 54 कैरी 5, 6 8 48 और 5 6 6 पूरा चला गया, ओके 316, डिवाइजर इज 316, आंसर इज 316, लिख दोगे डिवाइजर इज 316, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, लिसन केयरफुली, ये कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 55,390 y 299, रिमाइंडर इज 75, फाइंड द कोशेंट यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, सेम है ऊपर, इसमें डिविडेंड दे रखा है और डिवाइजर दे रखा है, उसमें हमें डिवाइजर फाइंड करना था, इसमें कोशेंट फाइंड करना है, यूज वही करना है, तो चलो करते हैं, क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, चलो डिविडेंड लिखे पहले, कोई बात नहीं है, नीचे उल्टा लिख देंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो एल्गोरिथम रहा, डिविजन एल्गोरिथम है ना, वैल्यू पुट कर दो, 55390 डिवाइजर इज गिविन 299 इंटू हमें फाइंड करना है, या मैं शॉर्ट में क्यू लिख दे रहा हूं, क्यू फॉर क्वेश्चन, क्यू निकालना है ना, प्लस रिमाइंडर इज 75, सेम एवर प्रोसीजर, 75 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, 55390 माइनस 75 इज इक्वल 299 क्यू, यहां तक क्लियर, सबट्रैक्ट कर लो, 10 में से 5 सबट्रैक्ट करा 5, 8 में से 7 गया 1, बाकी तो सेम है, 553, ओके, इट्स इक्वल 299 q, q फॉर कोशेंट, तो q हो क्या हो गया, इसमें डिवाइड हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ q विल बी 55,315 डिवाइडेड बाई, डिवाइड अपॉन एक ही बात होती है, 299, अब इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ पर ले रहे हैं, 299 से डिवाइड करना है किसमें, 55,315, ओके, देखिए कितने टाइम से आएगा, 1 टाइम्स के पहला 299, 13 में से 9 सबट्रैक्ट करा 4, या 4 रह गया, बोरो ले लिया, 14 में से 9 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, अब ब्रिंग डाउन क्या आएगा, 1, ओके, तो 9 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
ओके तो 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 9 जा 72 और 7 79, अगेन 7, 8 2 जा 16 और 17 23, सबट्रैक्ट करें, बोरो लिया 11 में से 2 गया 9, ओके अब क्या बचा यहाँ 3, एक बोरो लिया 13 में से 9 गया 4, और यहाँ से बोले तो कह रहे 4 में से 3 गया 1, अब ब्रिंग डाउन 5, अब तो 5 बार जाता हुआ नजर आ रहा है, 5 9 जा 45, ठीक है बिल्कुल, कितने टाइम्स गया 185, क्वेश्चेंट हो गया 185, वैल्यू ऑफ इट इज इक्वल टू 185, तो क्वेश्चेंट इज 185, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8, लिसन केयरफुली, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13,601 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87, मतलब क्या, देखो मैं आपसे कहूँ कोई नंबर 18 है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ कि ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, जो भी रिमाइंडर आए उसको अगर माइनस कर दूँ तो 14 बचा, और देखो 14 चला गया 7 2 जा 14, तो समझ में आ गया आपको ये डिविडेंड है डिवाइजर, इसमें हम इसमें डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर होगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे कि ये नंबर 87 से डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या करें सिंपल डिवाइड, 87 का डिवाइड हमें इसमें करना होगा, वन टाइम ही गया 87, बोरो लिया 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 9, या 2 रह गया 12 में से 8 गया 49, ब्रिंग डाउन 0, 5 टाइम्स चला जाएगा शायद 8 पंजे, हाँ 5 टाइम्स जाएगा, 5 7 जा 35, 3 आ गया कैरी, और 5 8 जा 40 और 3 43, 5 7 जा 35, ठीक है वॉरो लिया तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहाँ क्या रह गया 8, 8 में से 3 गया तो 5, ब्रिंग डाउन 1, 8 7 जा 56, तो 6 टाइम जाएगा है ना, 6 से हमने डिवाइड कर दिया इसमें, तो 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 8 जा 48 और 4 52, सब्ट्रैक्ट करो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ क्या रहेगा 4 में से 2 गया 29, तो 29 इज द आंसर, तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा जो भी रिमाइंडर होता है, अभी समझाया था तो लिख दोगे बी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 29 फ्रॉम, चलो लिख देता हूँ है ना, तो लिखो बी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 29 फ्रॉम कितना था 13,601 सच सो डैट नंबर इज डिविजिबल बाई, जो रिक्वायर्ड नंबर हो सब्ट्रैक्ट करने के बाद होगा है ना, नंबर इज डिविजिबल बाई या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई कुछ भी लिख सकते हो, डिविजिबल बाई 87, ओके समझ में आ गया, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 8, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 8 था सब्ट्रैक्टेड वाला, ये है ऐड, ऐड क्या करें, देखो ऊपर ही समझाता हूँ ऐड क्या करें, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि जो रिमाइंडर हो वो सब्ट्रैक्ट, अब इसमें ऐड का हो तो क्या होता है, डिवाइजर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो रिमाइंडर को, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 3, तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें 18 प्लस 3 क्या है 21 और 7 3 21, सेम काम करना है जो रिमाइंडर होगा तो हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर डिफरेंस आएगा उसको हम डिविडेंड में ऐड कर देंगे, उस नंबर को ऐड करेंगे, क्वेश्चन ये था, पढ़ देता हूँ आपके लिए मैं, सुनिए ध्यान से, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एक्जेक्टली डिविजिबल बाई 23, ऊपर सब्ट्रैक्ट और ये ऐड वाला, तो इसे अच्छे से समझ लो, हमें वही करना है 23 से हमें डिवाइड करना है, 4 टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 3 और 10 में से 9 गया तो 1, ब्रिंग डाउन 6, तो 7 बार तो जाएगा नहीं 6 टाइम गया, 6 3 जा 18, 6 टाइम भी नहीं गया भाई, 6 3 जा 18 5 टाइम्स गया, 5 3 जा
क्या क्या 5 की टेबल बोलिए, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 1 और 1 11 सबट्रैक्ट कर दो, 6 में से 5 सबट्रैक्ट करा तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 21। अभी डिवाइड कब जा सकता था, या तो हम 21 को सबट्रैक्ट कर दें ऊपर की तरह, लेकिन इसमें ऐड करना है, तो 23 होता अगर तो 23 बन जाए 23, यानी कि 2 कम पड़ रहा है। कैसे निकाला, डिवाइजर में से रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे, तो नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर, कितना आया 2, जो भी आया उसको ऐड करेंगे, तो लिख लेंगे बी मस्ट बी एडेड 2 किसमें 1056, सो डैट नंबर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड लिख लेना रिक्वायर्ड नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। चेक करने के लिए क्या था आंसर, तो 2 ऐड कर देते इसमें, कितना आता 56 प्लस 2 58 हो जाता, तो ये 46 टाइम्स चला जाता है ना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन ये है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, तो सबसे पहले तो आप लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है पता है नहीं पता है 9999 और डिविजिबल बाय क्या 16, तो 16 से इसमें डिवाइड करो, 16 6 जा 96, 9 में से 6 सबट्रैक्ट करा 3, ब्रिंग डाउन 9, 16 2 जा 32, 9 में से 2 सबट्रैक्ट करा 7, अगेन ब्रिंग डाउन 9, 16 5 जा 80 ज़्यादा हो गया, तो 16 4 जा 64, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 6 सबट्रैक्ट करा तो 15, ओके अब बताओ क्या होगा। ये देखो दो तरीके, या तो हम 15 को सबट्रैक्ट कर दें तो डिविजिबल होगा, या ऊपर की तरह 16 में से अगर हम 15 को डिफरेंस निकाले 1, अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें वो नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 और यानी कि 5 डिजिट्स का नंबर, हमें चाहिए था 4 डिजिट्स, तो हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लिया, इसमें ऐड तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, जैसे ही ऐड करेंगे 5 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमें इसको सबट्रैक्ट करना होगा। ऊपर वाले सवाल किया है ना कि डिविजिबल होना चाहिए, तो लिखोगे पहले डिफरेंस निकालो, नहीं सॉरी रिक्वायर्ड नंबर लिखो, हाँ रिक्वायर्ड नंबर विल बी, रिक्वायर्ड नंबर इज 9999 माइनस जो रिमाइंडर है उसको आप सबट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो गया 9 में से 5 सबट्रैक्ट करा तो 4 और 9 में से 1 सबट्रैक्ट करा तो 8, 9984, ओके इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो लिख दोगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9984 विच इज डिविजिबल बाय 16, समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट है ना, ये डेली लाइफ यूज में होने वाले सवाल इस टाइप।